देखिए भोपाल में अगर वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो हमारे जो भी रिसोर्स है वहाँ पर्याप्त पानी है और पानी की कोई कमी वर्तमान में नहीं है और आगामी जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इसमें कोई ऐसी समस्या नागरिकों के बीच नहीं आएगी। जहाँ तक कोलार की बात है, कोलार में क्योंकि हमारा पाइपलाइन सिस्टम नहीं है वहाँ पे जरूर है कि वहाँ पे जो बोर है गर्मी में डाउन हो सूख जाते हैं, उसकी वजह से हमको ट्रांसपोर्ट करके पानी टैंकर के माध्यम से देना पड़ता है। इसीलिए हमने ऑलरेडी टेंडर करके टैंकरों की व्यवस्था कर ली और ये सुनिश्चित करेंगे कि टैंकरों के माध्यम से बिजली जो है वहाँ पानी सप्लाई। नहीं, दुर्गा नगर जो है गरीब वो स्लम है, पानी की व्यवस्था है और स्लम में हर आदमी कनेक्शन नहीं लेता, पर वहाँ सप्लाई है, नियमित सप्लाई है और समस्या जैसी कोई बात नहीं। स्लम में जो कनेक्शन हमारे जो गरीबी रेखा के नीचे उसका व्यवस्था है, जो नई स्लम है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे टैंकर के माध्यम से ही देते हैं। यहाँ पानी की समस्या है, हम लोग पानी दूर दूर से लाते हैं, परेशानी है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रही पानी की, हम बहुत दूर से पानी लाते हैं, सुबह से खड़े रहते हैं लाइन लगा के, जब 4-6 डिब्बा पानी मिलता है, 6 से ज्यादा नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 रुपए डब्बे पानी मिलता है और ऊपर से पैदल लेकर भी आना पड़ता है, ट्रैफिक में उधर जाते पीने के लिए तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक रोड क्रॉस करने में हमें दिक्कत आएगी।